गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीना रावत, फोर्थ क्लास यूकेजी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश। आज मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी यूज ऑफ दीज दोज। दीज यानी कि जो वस्तुएं हमारे नजदीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और वे वस्तुएं जो एक से अधिक है उनके लिए हम दीज का यूज करते हैं। एंड दोज यानी कि जो वस्तुएं दूर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, और वो भी एक से अधिक वस्तुएं हैं, उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। ओके, तो सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। से दीज मैंगोज, यानी कि बीज का यूज हुआ है, तो क्या है आम, क्या है हमारे नजदीक है। ओके, और बीज का यूज हुआ है यानी कि आम क्या है, एक से अधिक है। एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे दो बनाएंगे। बीज आर मैंगोज, ये आम है। आम क्या है, नजदीक है, इसके लिए दीज का यूज हुआ है। सो दीज को हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है दोज आर जग्स, वे जग्स हैं। ओके, यानी कि एक से अधिक हैं, और दो यानी कि दूर हैं। क्या है, जग है। जग क्या है, दूर है, इसलिए हमने उसके लिए दोस का यूज किया है। ओके, तो दोस को भी हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आएगा दीज आर काइट्स, ये पतंग्स हैं। ओके, ये दीज के हैं, तो इसलिए पतंग क्या बनेगी, नजदीक बनेगी। दीज आर काइट्स, पतंग क्या है, हमारे नजदीक है, इसलिए इसके दीज का यूज हुआ है। दीज को भी हम अंडरलाइन करेंगे। एंड लास्ट आएगा दोज आर पेंसिल्स, वे क्या है, पेंसिल्स हैं। पेंसिल्स क्या है, पेंसिल्स को हम दूर बनाएंगे क्योंकि ये दोस के सेंटेंस में यूज हुई है। ओके, दोज आर पेंसिल्स, वे क्या है, पेंसिल्स हैं। तो दोस को भी हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ रिपीट अगेन यूज ऑफ दीज दोज। दीज यानी कि
जो वस्तुएं हमारे नजदीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वे वस्तुएं जो वस्तुएं एक से अधिक है उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे। एंड दोज यानी कि जो वस्तुएं दूर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं, और वे वस्तुएं भी एक से अधिक होगी उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे। दीज आर मैंगोज, ये आम हैं। दीज यानी कि क्या है, नजदीक है, आम क्या है, एक से अधिक है और वे ये नजदीक हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, दीज आर मैंगोज, ये आम हैं। ओके, नेक्स्ट है दोज आर जग्स, यानी कि वे जग्स हैं, एक से अधिक है इसलिए क्या है, एस का यूज हुआ है, और जग्स क्या है, दूर बने हैं यानी कि वो दूर हैं, तो इसके लिए हमने दोज का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट है दीज आर काइट्स, ये पतंग्स हैं, एक से अधिक है ना, ओके, और क्या है, नजदीक है इसलिए हमने इसके लिए दीज का यूज किया है। एंड लास्ट है दोज आर पेंसिल्स, वे क्या है, पेंसिल्स हैं, एक से अधिक है और वे दूर हैं, इसलिए हमने इसके लिए दोज का यूज किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो सारे स्टूडेंट्स घर पर ऐसे ही लिखेंगे, प्रत्येक सेंटेंस के बाद आप 119 लीड करोगे, पिक्चर्स दीज की पिक्चर्स आपकी नजदीक बनेगी, एंड दोज की पिक्चर्स आपकी दूर बनेगी। सारे सेंटेंस में आप दीज दोज को अंडरलाइन करेंगे, गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे, पिक्चर्स अच्छी बनाएंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।